कल ये चैप्टर पढ़ा था वचन, वचन किसे कहते हैं उसके बारे में सारा कुछ पढ़ा था हमने। तो आज इसका अभ्यासकार्य इसमें प्रश्न दिए हैं कुछ, जैसे प्रश्न एक है आपका वचन किसे कहते हैं, ठीक है, वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं। सभी बच्चे इसके आंसर को बुक में ही भर लेंगे, अपनी पुस्तक में ही लिख लेंगे, ठीक है। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन की परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। बुक में ही रहेगा। वचन की दो भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एकवचन और बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप यही लिखोगे वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। आंसू नित्य एकवचन शब्द है, नित्य बहुवचन है। जैसे हम बोलते हैं आंसू निकल गया, ऐसे बोलते हैं ना, निकल गए, ऐसे आंसू निकल गए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आंसू निकल गया, ऐसे बोलेंगे ना आंसू निकल गए। तो ये किस में प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में, ठीक है। तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है आंसू, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय कौन से शब्दांश जुड़ते हैं, जब हम स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते हैं, जैसे चिड़िया है ना, तो उसमें क्या लगाते हैं, चिड़िया। जैसे कविता कविताएं है ना, माला मालाएं, इस तरह है। तो हम इनमें क्या लगाते हैं, या ए के, ठीक है। विभक्ति युक्त बहुवचन बनाते समय कौन से शब्दांश शब्दों को जोड़ा जाता है, ओ और यो, जैसे पहाड़ों पहाड़ियों को, ठीक है, कविताओं को, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, ए की मात्रा, जैसे अकारांत में जैसे होता है ना, जैसे ए की जिसमें बिंदी नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसमें हम बिंदी नहीं लगाते हैं। आकारांत जैसे कुत्ता, कुत्ता अगर हम लिखेंगे तो उसमें जैसे कुत्ता लिखा है उसमें ए की मात्रा नहीं, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम ये आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा लगाते हैं और इसमें बिंदी नहीं आती है, ठीक है। तो हम ये वाली मात्रा का प्रयोग करते हैं, जिस क्या होती है इसकी मात्रा, ये वाली, तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे खाली स्थान दिए हैं, या को डैश कर देने से चिड़िया दिव्या तथा जैसे शब्दों का बहुवचन रूप बन जाता है, या को क्या कर देने से, या चंद्रबिंदु लगा के, या कर देने से चिड़िया, जैसे चिड़िया का बहुवचन लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, इसके चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो चिड़िया, तो हम क्या लगा देते हैं, या। बाल दर्शन हस्ताक्षर आदि नित्य डैश शब्द हैं, एक वचन होते हैं या बहुवचन होते हैं, जैसे बाल टूट गए, बाल झड़ गए, दर्शन कर लिए, हस्ताक्षर कर दिए, तो ये सब किसमें प्रयोग हो रहे हैं, बहुवचन में, ठीक है, किसमें प्रयोग हो रहे हैं, बहुवचन में, ठीक है। पेड़ का विभक्ति युक्त बहुवचन क्या होगा, विभक्ति लगा के, जैसे पेड़ों को या पेड़ों से, ठीक है, पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, पेड़ों को उन्होंने काट दिया, तो हम इसमें विभक्ति युक्त बहुवचन में लिख सकते हैं, ठीक है। पानी दूध शहद भीड़ आदि शब्दों का प्रयोग सदैव किसमें किया जाता है, जैसे पानी बिखर गया, पानी बह रहा है, दूध गिर गया, शहद रखा है, ये सब किसमें है, एक वचन में, ठीक है। आदर तथा सम्मान का भाव देने के लिए एक वचन की जगह डैश का प्रयोग किया जाता है, जब हम आदर और सम्मान देते हैं किसी को, जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो हमने वहां पर किसका प्रयोग किया है, बहुवचन का। तो जब भी हम सम्मान देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन से वचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसमें ऑप्शन विकल्प दिए हैं,
एक वचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, या वचन कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। तो जब संख्या एक को या अनेक संख्या दिया, इसमें एक और अनेक नहीं दिया है, ठीक है, तो इसमें खाली संख्या दिया है, तो यहाँ पर वचन का पता चलता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? प्रण से होता है, एक वचन प्रण होता है, आश्वासन होता है, भरोसा होता है। तो यहाँ पर कौन से इसका मतलब है, अर्थ है हिंदी व्याकरण में, संख्या से, किससे है, संख्या से, नंबर से, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द नित्य एक वचन है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, दर्शन, प्राण, पानी, हस्ताक्षर। दर्शन तो बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है, हस्ताक्षर भी बहुवचन है, पानी यहाँ पर नित्य एक वचन है, ठीक है। कठिनाई का सही बहुवचन रूप क्या होगा? अब ध्यान से देखना है, कठिनाई, कठिनाइयां और कठिनाइयां। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी कठिनाइयां लिखा है, यहाँ पर भी कठिनाइयां लिखा है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? आप ये देखिएगा, अंतर क्या है दोनों में, कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाती है, छोटी ही। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, ठीक है। उसके बाद वचन बदल कर लिखने हैं आपको, जैसे गमला, गमले, बत्ती, बत्तियां, रात, रातें, निधि, निधियां, दरवाजा, दरवाजे, इस तरह आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वचन बदल कर वाक्यों को दोबारा लिखना है, जैसे नवयुवक सितार बजा रहा था, तो नवयुवक सितार बजा रहे थे। सुनार अंगूठी बना रहा होगा, सुनार अंगूठियां बना रहा होगा। यह साड़ी बहुत सुंदर है, ये साड़ियां बहुत सुंदर हैं। वह कभी इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वह कभी इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा। सड़क की मरम्मत की जा रही है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ठीक है। कारक, कारक होते क्या है? जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं और उसमें जैसे कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, तो आगे की, ये सब होते हैं। अगर हम इनको वाक्यों में ना लगाएं तो वाक्य बिल्कुल अधूरा लगेगा, पूर्ण नहीं लगेगा, ठीक है। इनको लगाने से ही वाक्य में सुंदरता आती है और वाक्य पूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है, जैसे श्री राम डैश अत्याचारी रावण डैश वध करके धरती डैश उसके अत्याचारों डैश मुक्ति दिलाई थी। तो यहाँ पर अगर हम कुछ ना लिखे तो बिल्कुल भी अधूरा लग रहा है और हमें समझ भी नहीं आ रहा कि इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है। जब हम इनको भर देंगे, जैसे श्री राम ने अत्याचारी रावण का वध करके धरती को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, तभी हमें समझ में आया। अगर हम इनको विभक्ति चिन्हों को ना लगाएं, परसर्गों को ना लगाएं, तो वाक्य बिल्कुल अधूरा होता है और ना ही हमें समझ आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सृष्टि ने सुंदर गीत लिखा, चलो ये गीत लिखा, ये तो समझ आ गया है, पर चलो परसर्ग अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये ठीक है, ठीक है। अरविंद डैश शानदार भाषण दिया, अब इसमें देखिए, अरविंद डैश शानदार भाषण दिया, अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, अरविंद शानदार भाषण दिया, क्या समझ में आ रहा है कि अरविंद ने क्या किया? नहीं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो वाक्य बिल्कुल अधूरा लग रहा है, ठीक है। ऐसे हमें शाम डैश जाना है, हमें शाम को जिम जाना है, बच्चे मैदान डैश क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। हमें इनका लगाना बहुत जरूरी है वाक्य को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इस संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। कारक क्या होते हैं? इनमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ होता है, ठीक है।
है, और इस संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कार्य चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछली कक्षा में आपने यह भी गाया था, सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलवाता हूँ, यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ, फिर मेरे है वाक्य अधूरे क्रिया से हैं कब जुड़ जाते, पर परसर्गों से जुड़ते ही अर्थवान वे बन जाते। यहाँ पर एक छोटी सी चार पंक्तियां लिखी गई है, ये कारक के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, कारक के लिए एक सूत्र भी दिया गया है याद करने के लिए, ये यहाँ पर लिखा भी है, सूत्र याद करते समय स को जो ये सम पढ़ते हैं, इसको सम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं कारक कर्ता, इसका परसर्ग चिन्ह क्या होता है ने, और कार्य क्या होता है ने का प्रयोग हम क्यों किसके लिए करते हैं, कार्य करने वाले के लिए, कर्ता के लिए करते हैं, कर्ता कौन होता है कार्य करने वाला। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर में शेर ने दहाड़ लगाई, ठीक है, बच्चे उसे देखकर डर गए। ठीक है, कर्म को जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, कवि ने श्रोताओं को कविताएं सुनाई, श्रोताओं को, ठीक है, कवित्री ने मधुर गीत सुनाया। ठीक है, करण कारक क्या होता है, इसका जो परसर्ग होते हैं वो से और के द्वारा होता है, से और के द्वारा, यानी जिस साधन से हम कार्य करते हैं, जिससे हम कार्य करते हैं, जैसे रजत ट्रेन से सूरत गया। ठीक है, उसने साड़ियां खरीदकर पेटीएम द्वारा पैसे दिए। ठीक है, तो ये साधन हो गया किसी कार्य को करने का। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, के लिए, और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे संप्रदान उपकार में कुछ देने के अर्थ में, मतलब जैसे हम उपकार, जैसे उसने उसको दान, यहाँ पर दिया दादाजी उपवास के लिए सामान लाए, उसने युद्धों को दान दिया, है ना, के लिए और को, मतलब यहाँ पर उपहार दिया, जैसे उन्होंने उसको दान दिया, तो को आया है तो भी ये संप्रदान में ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हो रहा है, उपकार करने के लिए प्रयोग है, मतलब जहाँ पर उपकार करने के लिए प्रयोग होता है, चाहे वहां पर को आए चाहे के लिए आए। ठीक है, अपादान में क्या होता है, अलग होना डरना, ठीक है, तुलना करना, ये तीन चीजें होती हैं, अलग होना डरना और तुलना करना। ठीक है, यहाँ पर दिया है कार्य क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, डर का भाव होता है, दूरी दूरी का भाव होता है, तुलना का भाव होता है। ठीक है, जैसे रमन के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरा, मतलब उससे अलग हो गया। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम बहुत पढ़ते भी हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है, स्टेशन से गाड़ी छूट गई। ठीक है, माँ ने समझाया कि पढ़ते समय मोबाइल से दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, ये सब किसके लिए आते हैं, अपादान कारक में आते हैं, संबंध कारक जो संबंध बताने का कार्य करते हैं, संबंध किससे, जैसे गाड़ी दे खाड़ी देश पर्यटन का केंद्र है, बुर्ज खलीफा दुबई की शान है। ठीक है, वहां की इमारतें हमारे मन में रच बस गई। ठीक है, अधिकरण में पर जो क्रिया के स्थान या समय को बताने का कार्य करे, जहां पर क्रिया हो रही है उसके स्थान को बताने का कार्य करे, जैसे संसार में भारत की एक अलग पहचान है, संसार में भारत की एक अलग पहचान है। ठीक है, जैसे मेज पर पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, संबोधन में होता है हे अरे ओ, किसी को पुकारने के लिए, कार्य क्या होता है इसका, किसी को पुकारने के लिए, जैसे हे प्रभु सब पर अपनी कृपा रखो, अरे बेटा तुम भी जाकर मत्था टेक लो, तो मतलब जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग होता है। ठीक है,